Assalamu alaikum everyone. Welcome to my kitchen. I hope आप सब खैरियत से और मजे से होंगे. जैसा कि आज मौसम बहुत ज़बरदस्त है और बारिश का मौसम है, आज मैं आपके लिए बहुत मज़ेदार रेसिपी लेके आई हूँ, आलू के पराठे. आलू के पराठों का टेस्ट इन्हेंस करने के लिए हम इसको देसी घी में बनाएंगे. और ये पराठे जब देसी घी में बने हो और साथ फिर चटनी हो तो क्या मज़ा ही आ जाता है. मेरी इस रेसिपी को देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करें. लेट्स स्टार्ट, चलते हैं हम अपनी रेसिपी की तरफ. व्यूअर्स देखें, हमने 1 kg पोटैटोस ले लिए. इसको अच्छे से मैंने मैश कर लिया. इसमें मैं आप ये सब स्पाइसेस ऐड करूंगी. जैसा कि आप देख रहे हैं व्यूअर्स, इसके स्पाइसेस में हम सॉल्ट 1 teaspoon, रेड चिली पाउडर 1 tablespoon, सूखा धनिया पाउडर 1 tablespoon, चिली फ्लेक्स 1 teaspoon, जीरा 1 tablespoon, साबा सूखे धनिया को इसमें मैं क्रश करके ऐड करूंगी, ब्लैक पेपर 1 tablespoon और धनिया डालूंगी फ्रेश. इसमें मैं क्रश्ड अनियन, स्पाइसेस मिक्स करने के बाद इसको हम आफ्टर मिक्सिंग, हमारे ये जो पोटैटो का मटेरियल है रेडी हो चुका है. आलू के पराठे बनाने के लिए आपने आटे के छोटे छोटे से पेरे ले लेने हैं. व्यूअर्स ये देखिए, 1 by 1 इसको आपने इस तरीके से ही बेलना है. फिर मैं इसमें पोटैटो मटेरियल ऐड करूंगी. से इसको कवर करके इस तरीके से बेलूंगी. आप मेरे इस मेथड को अच्छे से देखिए और सुनिए. व्यूअर्स के देखिए, हमने अपने पराठे को अच्छे से बेल लिया. अब इसको पैन में डालेंगे. इसको जैसे ही इसके वन साइड गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसकी साइड को चेंज कर लेंगे. जैसा कि मैंने आपको बताया था, इसके टेस्ट को इन्हेंस करने के लिए देसी घी ऐड करके इसको मैं गोल्डन ब्राउन कर रही हूँ. देखें कितने जबरदस्त से हमारे जो पराठे हैं रेडी हो चुके हैं. मैंने ढेरों ढेर पराठे बना लिए हैं और देखें कितना जबरदस्त इनका गोल्डन कलर आया है. आप भी मेरी इस रेसिपी को जरूर इसी मेथड से ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको बहुत मजा आएगा. मेरी इस रेसिपी को आप जरूर ट्राई कीजिएगा.
व्यूअर्स, मैं आपको ये आलू के पराठे टेस्ट करके दिखाती हूँ। ये देखें कितने ज़बरदस्त, अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त टेस्ट है। व्यूअर्स, मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिए। इंस्टा और फेसबुक पे मेरे पेज को ज़रूर लाइक कीजिएगा। मैं आपके पास ऐसी ही ज़बरदस्त रेसिपी के साथ आती रहूँगी। अल्लाह हाफिज़।